नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं, मेरे भाई आप लोग लड़की देखने जा रहे हैं, तो ये गलती भूलकर भी ना करें। अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत बड़ा बंधन दोष आपके जीवन में पनप सकता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, लड़की देखने जाना या लड़का देखने जाना एक सामाजिक निर्वाह है, सामाजिक रीति रिवाज या जिसको बोलें सामाजिकता है। क्योंकि जब भी कोई विवाह संबंध तय किया जाता है तो इसका शुरुआती स्टेज यही होती है, जाकर लड़की को देखना, लड़के को देखना, और उससे भी पहली स्टेज होती है कुंडली का मिलान करना। लेकिन यदि आप लड़की देखने जा रहे हैं तो पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये सोच कर जाएँ कि जिस जगह आप लड़की देखने जा रहे हैं उस जगह आपको विवाह करना ही है। सिर्फ टाइम पास करने के हिसाब से ना जाएँ कि आज देखने जा रहे हैं, पसंद आई तो करेंगे, नहीं तो दूसरी जगह देखेंगे। ये इस मानसिकता को आप लेकर जाते हैं तो पहला पाप तो आप उसी दिन कर लेते हैं, उसी वक्त कर लेते हैं, और आपकी ये जो मानसिकता है न जाने कहाँ जाकर आपको दंड देगी या आपसे बदला लेगी। इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कन्या साक्षात देवी का स्वरूप होती है। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष राक्षस होते हैं, पुरुष भी देवता का ही स्वरूप होते हैं, और ये गलती लड़कियों को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोई बड़ा दोष है या कोई चीज़ है तो वो देखने से पहले ही उसकी इंक्वायरी करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। कुंडली का मैच मेकिंग प्रॉपर करवा लीजिए। कई जगह मैंने देखा है कि लड़की देख लेते हैं फिर बाद में ये प्रोसीजर अपनाते हैं, जो कि काफ़ी दोषपूर्ण और बहुत ही बेकार होता है। क्योंकि आप तो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उस लड़की पर, उसके परिवार पर और सामाजिकता में जुड़े हुए उसके लोग उसको क्या क्या ताने सुनाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं हो रत्ती भर। तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। और कई बार होता है ना कि किसी की शादी तय हो जाती है और वो सोचते हैं कि अच्छी जगह अच्छी लड़की देखी है, परिवार भी अच्छा है, फिर भी गृहस्थी बस क्यों नहीं पा रही, तो उस समय ये बद्दुआ आपके काम आती है। काम से मतलब आपका काम बिगाड़ने में आपके काम आती है, और आप इस बारे में सोचते नहीं हैं। आप किसी लड़की के घर गए, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर आपने किसी और से शादी कर ली। वो लड़की सच्ची थी, उसका परिवार सच्चा था, वो सही थे बिल्कुल, फिर भी बिना कारण, सिर्फ हो सकता है पैसे के लालच में या दहेज के लालच में या किसी अन्य लालच में, या लड़की घर बैठती है, नौकरी नहीं कर रही है, किसी किसी भी कारण से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसका दिल दुख गया, तो उसकी बद्दुआ आपको निश्चित रूप से लगेगी। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, कितने लड़कियां दिखने रिजेक्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको जो सारी बातें जिसके आधार पर आप रिजेक्ट कर रहे हो, आपको देखने से पहले ही वो सब चीज़ें पता कर लेनी चाहिए कि अगर वो नौकरी करती है या घर में ही रहती है या क्या चीज़ें हैं। फ़ोटो देखकर आपने देख लिया या वैसे भी आपने देख लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप विवाह के लिए किसी के घर पे लड़की देखने जा रहे हो और वो बिल्कुल सही है, फिर भी आप मना कर देते हो सिर्फ छोटे से स्वार्थ के लिए, तो उसकी बद्दुआ तो आपको लगती है। और ऐसे मैंने एक नहीं कई उदाहरण देख लिए जिसमें कि किसी ने एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरी जगह शादी हो गई, लेकिन उससे उसका घर जिंदगी में कभी बस ही नहीं पाया। पत्नी ऐसी आई कि कर्कश आई बिल्कुल, घर में झगड़े हुए और घर में कई बार तो अलगाव हो गया, और साथ रहते भी हो तो माथापोड़ी दिन भर चलती रहती है। तो एक फैक्टर इसके पीछे ये भी होता है। अगर आप भी ये गलती करते हैं, आपसे भी ये पाप हुआ है, तो इसका प्रायश्चित भी कर सकते हो। आप प्रायश्चित के रूप में सिर्फ उनको विनम्रतापूर्वक उनसे क्षमा मांग लो तो फिर आपका दोष कट जाता है। लेकिन कई लोग रिजेक्ट भी करते हैं, फिर अकड़ में भी रहते हैं, और फिर उनको सबक सिखाने के लिए या पता नहीं उनको क्या दिखाना चाहते हैं कि वही कोई बेहतर लड़की उनको मिल गई, मतलब अकारण किसी जीव को आपने सताया, उस जीव की बद्दुआ लग सकती है। और मैं आपका भी भला चाहती हूँ और उन लड़की वालों का भी भला चाहती हूँ जहाँ आप देखने जाते हैं, और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। आज का वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। इसको आप पॉजिटिव ही लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।